हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगा नो मैन आर फॉरेन नाम की पोयम की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 5 स्टैंजा हैं, स्टैंजा होते हैं पोयम के पैराग्राफ। पोयम स्टैंजा एक तरह का पैराग्राफ होता है जो कि पोयम के टर्म्स में हम यूज़ करते हैं स्टैंजा को। और अगर किसी भी स्टोरी हो तो हम उसे कहते हैं पैराग्राफ। तो इसमें पहले स्टैंजा में जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया है, तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो कहता है कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमसे अलग हो, और हमारी जगह मतलब जहां हम रहते हैं वहां से नहीं हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि विदेश हो, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनका और हमारा खाने पीने का तरीका अलग अलग हो, बोलने का तरीका अलग अलग हो, या फिर पहनावे का ढंग अलग अलग हो, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें एक सी ही मानी जाती हैं। हम सभी इंसान हैं, हम सभी अलग अलग धर्म और जातियों से संबंध तो रखते हैं, हमारे शरीर का रंग भी अलग अलग तो है, हम सभी अलग अलग भाषाएँ भी बोलते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले हम एक इंसान हैं, हम एक इंसानियत धर्म निभाते हैं। तो जो ये सभी डिफरेंसेस हैं, कलर के डिफरेंसेस, कास्ट के डिफरेंसेस और रिलीजन के डिफरेंसेस और लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस, तो ये कहीं मैटर ही नहीं करते हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं है इन डिफरेंसेस का इंसानियत के सामने। हम सभी इंसान जो हैं वो एक दूसरे के भाई या बहन हैं। हम सभी एक ही ज़मीन पर हैं जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम अपना अपना काम करते हैं और जिस पर हम रहते हैं और अपने अपने जीवन का गुजारा करते हैं, और अपने जीवन के अंत में हम सभी इसी पृथ्वी पर लेट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो ख़त्म होता है। अब बात आती है हमारी सेकंड स्टैंजा पर, जो कि हमारी स्क्रीन पर विजिबल है। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि जिन लोगों को हम अजनबी और विदेशी कहते हैं, वो भी उसी सूरज को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसी हवा को इस्तेमाल करते हैं जिस हवा को हम इस्तेमाल करते हैं, और उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं जिस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग भी इन सभी चीज़ों के प्रति उतने ही जागरूक हैं जितना कि हम हैं। तो हमारे और उनके इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग नहीं है। इससे जो कवि है वो कहना चाहता है, तो इससे जो पोएट है वो कहता है कि हम सभी में से कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, उन सभी को अपना खाना उन्हीं खेतों से मिलता है जिन खेतों से हमें मिलता है, उन्हें भी हमारी तरह शांति पसंद है, लड़ाई के समय उन्हें भी उतना ही दिक्कत और भुखमरी का सामना करना पड़ता है जितना कि हमें करना पड़ता है। तो हम सभी लोगों में से कोई भी विदेशी नहीं है, क्योंकि हम सभी एक जैसे और एक साथ चलते हैं। वो लोग भी किसी काम को पूरा करने के लिए अपने हाथों की शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये यूज़ करते हैं जैसा कि हम करते हैं। हम भी अपने हाथों का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो भी अपने हाथों का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और जिस तरह हम लोगों से बात करने के लिए बोलते हैं, उसी तरह वो भी लोगों से बात करने के लिए बोलते हैं। भले ही हमारी लैंग्वेज जो हो वो अलग अलग है, लेकिन बात करने के लिए हम भी दूसरों से बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप ही बताइए कि यहाँ कौन अजनबी है और कौन विदेशी है। हम लोगों को किसी भी तौर तरीके से देख लिया जाए, पर फिर भी हम एक जैसे ही निकलेंगे। तो यहाँ जो पोएट है उसने इस बात पर जोर दिया है कि हम में से कोई भी अजनबी नहीं है और ना तो कोई विदेशी है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड स्टैंजा है वो भी ख़त्म होता है। अब बात आती है हमारी थर्ड स्टैंजा पर। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड स्टैंजा में, जो कि स्क्रीन पर विजिबल है, इस स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि
इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ के साथ कोई इंसान अजनबी या विदेशी कैसे हो सकता है, कोई इंसान फॉरनर या स्ट्रेंज कैसे हो सकता है। पोइट कहता है, कवि कहता है कि जिन्हें हम अजनबी कहते हैं उनके पास भी आंखें हैं, वो भी इस संसार को उसी तरह देखते हैं जिस तरह से हम देखते हैं, वो भी सुबह शाम और रात के पहर को फॉलो करते हैं और उसी तरह सोते और जागते हैं जिस तरह हम सोते जागते हैं, वो भी हमारी तरह सेंसिटिव हैं और उनके पास भी हमारे जैसी ताकत है, उन्हें भी प्यार और स्नेह अच्छा लगता है जैसा कि हमें अच्छा लगता है, और वो उससे जीत भी जाते हैं, और तो और वो अपने आप को प्यार की भावनाओं में भी लुप्त कर देते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस से हमको ये तो पता चल ही गया है कि हमारे और उनके रहने का तरीका एक ही है। जब भी हम जीवन की शुरुआत करते हैं तो सबकी लाइफ का एक ही मैकेनिज्म होता है जो कि आसानी से किसी को भी समझ आ सकता है। तो इन सबको मिला जुला कर जो पोइट है वो कहना चाहता है कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता और कोई भी कंट्री विदेशी नहीं होती। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेंजा था वो यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेंजा पर। तो जो फोर्थ स्टेंजा है वो स्क्रीन पे विजिबल है हमारे। तो इसमें इस स्टेंजा में जो पोइट होता है उसने ये प्रूफ करके दिखाया है कि कोई भी इंसान अजनबी या विदेशी नहीं होता, सभी लोग एक जैसी ही चीज़ से बने हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हम सभी डिसिमिलैरिटीज़ प्रूफ हो जाएँ। लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हम सभी के बीच डिसिमिलैरिटीज़ प्रूफ करना चाहते हैं, असमानताएँ प्रूफ करना चाहते हैं। डिसिमिलैरिटीज़ मतलब होता है असमानताएँ। और जो हम लोगों का भाई और बहन का रिश्ता है उसे तोड़ना चाहते हैं, जिससे कि ग्लोबल हारमोनी और समाज दोनों को ठेस पहुंचती है। ये जो लोग होते हैं वो हमें उकसाते हैं ताकि हम अपने भाइयों के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, ताकि हम उनसे नफरत करें और उन्हें मार डालें। लेकिन अगर हम उनके बहकावे में आकर अपने भाइयों के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो हम अपनी ही आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। उनका तो अच्छा ही होगा कि हम ब्रदर्स वगैरह को मार दें, तो इससे हमारी आत्मा को ठेस पहुंचेगी और हम अपनी ही आत्मा को गाली बकेंगे अगर हम उनके बहकावे में आ गए। तो हमारे भाई जिनके साथ हमें चलना चाहिए वो बुरे कामों के शिकार बन जाते हैं जो कि हम बहकावे में आकर करते हैं। इससे हम अपनी ही चमक को घटा देते हैं और इससे हम इंसानियत के मुंह पर तमाचा मार देते हैं। तो जो पोइट है उसने इस स्टैंडर में ऐसी बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा है, ताकि जो इंसानियत है वो कम ना हो, ताकि इंसानियत बचे रहे। तो यही हमारा फोर्थ स्टैंजा जो है वो ख़त्म होता है। अब आता है फिफ्थ और लास्ट स्टैंजा। ये जो स्टैंजा है वो लास्ट है जो कि स्क्रीन पर विजिबल है। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है वो कहना चाहता है कि अपने भाइयों के खिलाफ हाथ उठाने से हमारी आत्मा ही नहीं दूषित होती, बल्कि इससे हमारी अर्थ जो है वो भी पॉल्यूट हो जाती है, दूषित हो जाती है जिस पर हम रहते हैं। जो नफरत और ईर्ष्या की भावना है, हेट और जैसी की भावना है हमारे मन में, वो हमारे दिल से सारी अच्छी क्वालिटीज़ को रफा दफा कर देती हैं, हमारी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को निकाल देती हैं। नफरत, ईर्ष्या,
और इससे लोगों की इनोसेंस वाली भावना भी ख़त्म हो जाती है। अब जो पोइट है वो कहता है कि जो भी काम हम गुस्से में करते हैं वो कभी 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 भी सही नहीं होता। जो काम हम गुस्से में करते हैं वो कभी भी सही नहीं होता, जस्टिफाइड नहीं होता। और तो और वो हमारे आसपास के वातावरण को अपने गंदे कामों से दूषित या पॉल्यूट कर देता है। जो काम हम गुस्से में आके करते हैं वो बहुत बुरा होता है और वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है। अजनबी और विदेशी के चक्कर में हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इस पोएम का की आखिरी लाइन के साथ जो कवि हमको यह समझाना चाहता है कि कभी भी अब हमें अपने और अपने अपनी चीज़ों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बहुत बड़ी गलती हो जाए या जिससे हमारी ब्रदरहुड, जो हमारा भाईपना है, वो उसमें दरार पड़ जाए। तो इसी के साथ जो पोयम है वो ख़त्म होती है और अब देखते हैं हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को कि ये पोयम किस बात को दर्शाती है, ये पोयम का लिखने का पर्पस क्या है। इसके राइटर हैं जेम्स किरकप। वो हमें ग्लोबल ब्रदरहुड और इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। ये पोयम जो पोइट है वो कहना चाहता है कि पूरा संसार एक है, कोई भी अजनबी या विदेशी नहीं है, यहाँ कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, यहाँ कोई भी फॉरनर नहीं है। हम सभी की एक जैसी फीलिंग्स हैं और हम सभी एक जैसे ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हम लोग रिसोर्सेज मतलब वाटर, एयर, सन, एक ही जैसे यूज़ करते हैं तो जब हम इस ब्रदरहुड के रिश्ते में को तोड़ते हैं तो हम इंसानियत को खो देते हैं। तो इससे इंसानियत को ठेस पहुंचती है, ह्यूमैनिटी को ठेस पहुंचती है। तो इसी के साथ जो पोयम है वो ख़त्म होती है। तो और इसी के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।